नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं प्रतिश खरे। मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बॉर्डर पर बैठे आंदोलन जीवियों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर के किसानों का गुस्सा भड़क उठा है, ये बड़ी खबर इस वक्त। और ऐसा एक गांव घेवरा पहुंचे हैं जी हिंदुस्तान के संवाददाता। टिकरी बॉर्डर से सटे चार गांवों के बाद पांचवें गांव घेवरा गांव इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहां भी लोगों में बहुत ज्यादा ही उबाल है, खासकर राकेश टिकैत और इस किसान आंदोलन के खिलाफ, क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है ये तबाह हो गई। ये देखिए नाराजगी, ये नाराजगी जो है राकेश टिकैत के खिलाफ है और अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए बॉर्डर खाली करने को लेकर लगातार इतनी नाराजगी, राकेश टिकैत के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों? राकेश टिकैत ने इतने परेशान कर दिए जिसकी कोई दुनिया आड़ थ्या जाना, हमने एक सीधा काट के और दांव देंगे। राकेश टिकैत मेरे किसान एक बंदूक में चला, तू इसने बर्बाद कर दिया सारे किसान, हमारा सारा देहात बर्बाद कर दिया इसने, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये वो जमीन है जहाँ पे उपकार फिल्म की शूटिंग हुई थी, मेरे देश की धरती, ये बिल्कुल वही जमीन है और वहीं के हैं हम, असली किसान हम ही है, वो नकली किसान है। ठीक है, उपकार फिल्म का गाना सुन के जो किसान घूमते हैं ना सारे देश में, वही खेत है, वही खेत है। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो यही इस गाने की शूटिंग इसी गांव में हुई थी, यही जमीन है, यही सारी इसी गांव में हुई थी, जहां आप खड़े हो यही इसी। राकेश टिकैत यहां क्यों नहीं आते महापंचायत करने? एक बार हम चाहते हैं कि वो आजा राकेश टिकैत, तेरे को जमीन में गाड़ देंगे। अरे आजा। अरे वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसी गाड़ी के अंदर 1 करोड़ रुपए रख देंगे। पहले हमारे पास पैसे नहीं है देने को, हमारे पास तो रोटी है देने को। बड़े किसान ठीक है, सच्चे किसान बिकाऊ आदमी है। बॉर्डर तो कह रहे हैं खाली नहीं करेंगे, अक्टूबर तक चलेगा ये आंदोलन। अक्टूबर तो इसलिए चलेगा ना क्योंकि इसने यूपी में इलेक्शन है 2022 में, इसने अपनी टिकट पूरी करनी है वहाँ से। ये तो अपने राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। दो बार ये क्या है, ये किसो क्या कहते हैं? ये मेरा किसान का, ये हम किसान है, फौड़ा है, ये हम इसे खेती करते हैं। ऐसे आदमी काटने ये खाली ये कई काम आता है, ये आदमी काटने काम भी आता है, कई तरह का हथियार है ये खेती को उपजाऊ भी बढ़ाता है और आदमी सरकलन भी कर सकता है। और इससे है ना, जो हमारे किसानों को भड़काएगा ना उसका सरकलन कर देंगे हम। तो आगे का रास्ता क्या, आगे का क्या रास्ता? लट के दम पर बॉर्डर खाली होगा साहब, लट के दम पे खाली कराया जाएगा, ये लास्ट अल्टीमेटम है। या तो बॉर्डर खाली कर दो, नहीं तो हम अपनी पंचायत करके वहाँ पे जबरदस्ती फोर्सफुली खाली कराएंगे। कल तक, आज तक का अल्टीमेटम, यानी कि कल तक का अल्टीमेटम है, तो क्या 24 घंटे आसपास के सभी 24 घंटे खाली करो, अगर खाली नहीं करेंगे तो हम सब गांव वाले जाके उनके साथ लड़ाई करेंगे, उसमें मारपीट होगी, जो होगी वो सब वो जिम्मेदार होंगे जो नकली किसान बन के बैठे। जो भी हिंसा होगी उसके लिए राकेश टिकैत जिम्मेदार होगा और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग परेशान हैं, हर तरह से परेशान हैं। हमें कुछ सामान नहीं मिल रहा है, भादुरगढ़ हमारी लोकल मंडी है, फसल पकने वाली है, हमारी फसल भी वहीं पे बिकती है, हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? छोटा बड़ा सामान भादुरगढ़ से आता है हमारा, अब जाओ घूमते रहो परेशान करके रखा है। ये कह रहे हैं कि हम तो अब यहीं डटे रहेंगे और 6 मार्च को हम रैली निकालेंगे फिर से केएमपी पे। एक सिंगल ट्रैक्टर भी हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, एक सिंगल ट्रैक्टर भी, क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है, ये मोदी विरोधी हैं। हमने किसान समझ के इनका साथ दिया, लेकिन 26 जनवरी को इन्होंने किया ना, वो किसान नहीं है, वो आप भी देख सकते हो और सबको पता है भाई साहब। पेट्रोल डीजल 1000 रुपए की मजदूरी पे, ठीक है, एक आदमी को 1000 रुपए मिलते हैं टीकरी बॉर्डर पे, ठीक है, शाम को एक बोतल मिलती है दारू की, बताओ कौन सा किसान है वो? अब ये कह रहे हैं कि 6 मार्च को निकालेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, 6 मार्च तो छोड़ दो आप, हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है ना, वो इन्होंने करवा रखा है। 6 किलोमीटर का एरिया में 30 किलोमीटर पार करना पड़ता है, किसके पैसे, जेब से पैसे जा रहे हैं, हमारी जेब से जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि आगे का रास्ता क्या, पंजाब वाले बोल रहे हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, ये है, अरे तुम हमारा एसवाईएल का पानी तो दे दो, एसवाईएल का पानी तो दे दो, तुमने बनी बनाई नहर को उनको उखाड़ के फेंक दिया, तुम पाकिस्तान में पानी भेज दिया, हमारे यहाँ पानी दे रहे हो। और ऐसे हमारे, मैं अपने हरियाणा वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इनको खवा खवा पहलवान बना रहे हैं, जाओ पहले अपनी राजधानी ले लो, राजधानी चंडीगढ़ घेरे बैठे हैं ये, ठीक है, पानी देते नहीं पाकिस्तान को, तो पानी देते हैं, दे ले लो। राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं इस पूरे, राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। कोई मतलब रोया है इसमें, जब बारी आई है कि भाई उठेंगे,
आंसू पड़ गए ना आंसू कब रोवे है जब घर का कोई आदमी जा है प्यारा आदमी जा है ईका के गया कुछ भी ना रोन लग गया समझो ना मेरी बात है क्योंकि ये ना मिल रहे थे एक और आया था यशपाल मलिक हमारे हरियाणा के गोली लगी थी और पीछे भर के अपने लग गया यूपी में एक और डकैत आ रहा है ठीक है काजू बादाम खाएगा मेरा किसान काजू बादाम नहीं खाता। राकेश टिकैत तो पूरे देश भर में महापंचायत कर रहे हैं ये अभी तक कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में थे तो कह रहे थे कि ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इस आंदोलन दिल्ली में करके दिखा देने के बाद मूछा काटा गिर गए राकेश डकैत सुन ले ठीक है तो आए ना टिकैत में मैं तो यहाँ के दिखाए हम देखते हैं उसको ऐसे कैसे आ जाएगा करके दिखाए दिल्ली में जहाँ परेशानी वो भोले भोले आदमियों को उधर बैक आ रहा है जहाँ पंचायत कर रहा है उनको असली चीज का पता ही नहीं। हरियाणा का आदमी तो है भोला ठीक है ना जी और दूसरी बात आपने भी किता सुनी होगी 20-22 बिगे थे या 450 बिगे हो रहे है कितना हो रही है ये कहाँ से हो गए क्या बिजनेस है इसका इसका बिजनेस क्या है इतनी जमीन बढ़ गई इसकी बिजनेस यो है इसको पता लगेगा तो प्रशासन इसके पीछे लगेगा कि ये जमीन आ कहाँ से आ गई बेच दो या अपने घर चला जाएगा 5-10 करोड़ रुपए चाहिए इसने क्या आप है ना किसी को भी सर्वे करवाओगे टीकरी बॉर्डर से उतने ठेके है ठीक है शाम को 3 बजे से लाइन लगती है 500 रुपये हर आदमी से बट रहे हैं आप हम झूठ बोल रहे हो तो एक एक आदमी जाओ और वहाँ पे इंक्वायरी करो आप भी करो और एक बीजेपी वालों को छोड़ के और सारी पार्टी पीछे लगी हुई है सरकार घेरने के लिए और कुछ नहीं है ये सब चोर गुंडे सब इकट्ठे हो गए हैं बाण बेटियों की छेड़ रहे हैं वहाँ पे इज्जत भी पूरे बहादुरगढ़ में बाण बेटियों को निकलना दंगा हो गया है चोरी कर रहे हैं ठीक है छेड़खानी कर रहे हैं हमारी बाण बेटी जा रही है बाजारों में क्या मतलब दारू पी के घूमने का बाजारों में वो अपना अनशन से मतलब है क्या वहाँ पे दंगा करने का मतलब है देखिए लगातार नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए चार गांवों का हमने अब तक दौरा किया है और ये पांचवा गांव है और कमोवेश इसी तरह की जो स्थिति जो है लगातार तमाम गांवों में नजर आ रही है और ऐसे में लगातार मोर्चा और बवा एक तरह से हम कह सकते हैं कि हल्ला बोल दिया है इस किसान आंदोलन और राकेश टिकैत के खिलाफ। तो आगे का रास्ता क्या होगा? राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि इस बार हम संसद का घेराव करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर ले जाएंगे। तो तिरंगे का तो अपमान जो किया वो तो पूरे देश ने देखा। राकेश टिकैत ने अपनी माँ का दूध पिया तो दिल्ली में घुस के दिखाए अब की बार ये है ना हमारे पास अब की और लेट्स से उसका इलाज करेंगे छोड़ेंगे नहीं ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बताओ तिरंगा झंडा अपने देश का झंडा उसको उतारने की क्या जरूरत थी ये बताओ ठीक है वहाँ काम लगा दिया खालिस्तान का आपने भी देखा होगा न्यूज पे खालिस्तान का। किसान तो अपने खेतों में मजदूरी कर रहा है अब भी ये नकली किसान बैठे हैं गुंडे पैसे के लिए 1000 रुपये दाढ़ी दो चलो वे फालतू अगर से वो काम ही नहीं करते। सन 1988 में इंडिया गेट को घेरा था महेंद्र सिंह चौधरी साहब ने टिकैत साहब ने ठीक है 5 लाख किसान थे मार मार के डंडे राजीव गांधी ने सबको भगा दिया था बहुत से मर भी गए थे। आज ये लड़का उसी कांग्रेस पार्टी के निशान में नाच रहा है ये अपने बाप का नहीं होता हमारा क्या होगा किस समाज का होगा ये किसी का नहीं हो सकता ये राकेश टिकैत। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाराजगी है इन तमाम गांव वालों में और देखिए अल्टीमेटम अब दे दिया गया है तमाम दिल्ली देहात के जो गांव है और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है तब आगे का रास्ता क्या होगा क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम नहीं खाली करेंगे बॉर्डर अल्टीमेट आखिरी दे दिया दिल्ली देहात के गाँव ने जी कल नहीं खाली किया तो हम सारे गाँव वाले इकट्ठे होके इनको खुद भगाएंगे। हम 2 बार प्रयास कर भी चुके हैं हाथ जोड़ के आए हैं वो तो गुंडागर्दी उनने तो है ना पत्थर मारने शुरू कर दिए थे तो हमारी गन संख्या थी इस मारे हम अपनी इकट्ठे कर 360 जो है वो जाट बहुल गांव है दिल्ली में और पूरे दिल्ली को मिला ले तो करीब 500 से ऊपर गांव है। तो ऐसे में आप तमाम गांव वाले जो है एकजुट हो रहे हैं धीरे 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 धीरे
क्यों? एक तो रोजगार बंद हो गया, वो गरीब आदमी है, 300 रुपए की मजदूरी करता था, बॉर्डर पार जाता था, वो गरीब आदमी भूखे, उन्होंने तो पैसा दे के इकट्ठे कर लिए लोग कितने भी, हमने तो लोगों को जगह जगह के लेना ना, अभी इतने परेशानी, लोग खुद परेशान हो गया सड़कों पे, अभी ये गांव एक एक गांव करके, एक एक गांव करके अभी सारे के सारे मिल गए, दिल्ली देहात सारे इकट्ठा होने जा रहे हैं, 360 गांव सारे इकट्ठा होने जा रहे हैं, राकेश टिकैत। और ये बताइए फसल किस तरह से प्रभावित हुई है, जरा ये तस्वीर दिखाइए आप। फसल में क्या है कि जैसे टाइम पे यूरिया हमें मिला नहीं, क्योंकि हमारी जो लोकल जो मंडी पड़ती है वो बहादुरगढ़ पड़ती है, जाने आने का रास्ता है नहीं, काफी घूम के जाना पड़ता है, जोनती बॉर्डर से घूम के जाना पड़ता है, वहां पे जाओ तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पास यूरिया का स्टॉक है ही नहीं, पीछे से आ ही नहीं रहा क्योंकि पीछे से रोड बंद है, पीछे से रोड बंद है तो हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमारी फसल देखो प्रभावित हो रही है, ये 50% भी फसल सारी बलूरी है बगैर खाद पानी के चक्कर में, सारा गेहूं बर्बाद हो गया, वो फसल उधर वो पूरा किले बाद ये मंडी मिल नहीं रही, जा नहीं पा रहे हम, तो सारा जो फसल है वो बर्बाद हो गया। देखिए तो ये आप देख सकते हैं कि यूरिया नहीं पड़ने से ये जो है ये खरपतवार है, और हमें कर सकते हो आप, ये देखो ये मतलब ये गेहूं नहीं है, ये अड़ंगा है, छोटा छोटा ये की वजह से छोटा छोटा गेहूं, बस ये गेहूं छोटा, ये क्या है, इतना बड़ा बड़ा गेहूं होता था, इतना बड़ा। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ का जो दिल्ली का जो किसान है वो बेहाल है, और इन तथाकथित किसान की वजह से पिछले 90 दिनों से जिस तरह से दिल्ली को बंधक बना लिया गया है इन तमाम तथाकथित किसानों की ओर से, और खासकर जो दिल्ली बॉर्डर टिकरी बॉर्डर के आसपास गांव हैं वो पूरी तरह से जो है वो बंधक बना हुआ है पिछले 3 महीनों से, तो ऐसे में अब इन तमाम गांव वालों ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल दिया है इस किसान आंदोलन के खिलाफ और खासकर राकेश टिकैत के खिलाफ, तो ऐसे में अब उल्टी गिनती हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन की जो उल्टी गिनती है वो अब शुरू हो गई है, और यहाँ के भी गाँव वाले जो है खासकर घेरा गाँव के जो लोग हैं उन्होंने भी एक तरह से अल्टीमेटम 24 घंटे का दे दिया है। कैमरा पर्सन सौरव रावल के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, घेरा गांव, दिल्ली। और इधर गाजियाबाद के मुरादनगर के किसानों का भी गुस्सा सातवें आसमान पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत ने भोले भाले किसानों को बहकाया है। क्या कहा मुरादनगर के किसानों ने, देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन अब पूरी तरह से दिशाहीन और दिग्भ्रमित हो चुका है। राकेश टिकैत लगातार महापंचायतें कर रहे हैं और हर महापंचायतों में सिर्फ सरकार के खिलाफ वोट देने की अपील किसानों से कर रहे हैं। अब ये महापंचायतें वाकई में किसानों के हित में है या किसानों के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये समझने के लिए हम अलग अलग गाँव का दौरा कर रहे हैं, और इसी संबंध में आज मैं मुरादनगर के खिमावती गाँव पहुंची हूँ। अम्मा एक बात बताओ, ये इस गाँव में आप कितने साल से हो? 50 साल से। और अम्मा खेतों में काम कितना सारा है किसानों के पास कि बॉर्डर में जाने की फुर्सत है? नहीं, हाँ वहाँ चले जाएंगे तुम्हारे साथ में? नहीं, हमारे साथ नहीं, बॉर्डर पर जहाँ पे राजनीति हो रही है, आंदोलन हो रहा है, कोई ले जाना चाहेगा तुम जा सकते हैं। लेकिन क्या अम्मा किसानों के हित की बात हो रही है या फिर सिर्फ राजनीति? राजनीति हो रही है। तो अम्मा ये राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं या किसानों की कुछ सोच? नहीं सोच रहे। क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे होंगे जब ही तो आंदोलन कर रहे, किराए के आदमी बैठे हैं। अच्छा, हाँ हमारे पास क्या, हमारा खेत चुन रहे हैं, गन्ना गिर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम मजदूर लग रहे हैं हमारे पास, हम भी छोड़ रहे हैं, तो हम कैसे आंदोलन पे बैठ जाएंगे जाकर? अम्मा एक बात बताइए, क्या कोई किसान अपनी फसलों को जला सकता है? जो फसलों को जलाने की बात कही जा रही है, दर्द उठता है जब बोते हैं गर्मी में, पसीना नीचे चूरा, हम ईख बो रहे हैं, उसे आग लगा सकते हैं? हम दो पैसे के इंतजार करते हैं उसका, समय पे भी क्या है, फायदा हो रहा हमें भी, क्या फायदा हो रहा हमें बताओ। भाई साहब आप बताइए, ये असल में बॉर्डर में हो क्या रहा है, हम सब जानना चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वो है कौन, क्योंकि हम इतनी दूर आपके पास आए हैं समझ के कि किसान तो आप ही हैं, आपके पास बहुत काम होगा, फुर्सत तो है नहीं बॉर्डर पे जाने की? नहीं जी, फुर्सत क्यों ना, हमें भी चले चलेंगे। हाँ आप बताइए। देखो वैसे तो जो कुछ किसानों के साथ वहाँ हो रहा वो तो ठीक है, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो कुछ हुआ वो सब किसान विरोधी है, देश विरोधी है, और हम सब वैसे तो किसानों के साथ हैं, लेकिन हमें MSP मिलना चाहिए, और
सब कुछ हमें सब। लेकिन राकेश टिकैत एमएसपी की तो कोई बात किसी महापंचायत से नहीं करते हैं। चाहे सहारनपुर देखिए, रोहतक देखिए, सोनीपत देखिए, जींद देखिए, मेरठ देखिए, रुद्रप्रयाग देखिए, कहीं पर भी उन्होंने एमएसपी की बात नहीं की। सब जगह उन्होंने केवल बात कही कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर किसान अब दिल्ली कूच करेगा। तो ये बरगला रहे हैं, किसान को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हाँ ये गलत है, ये तो अपनी एक राजनीति है उसकी, और जो गलत है ये किसान विरोधी है। वार्ता के लिए तो सरकार ने कितनी बार कहा, लेकिन ये शर्त के साथ वार्ता करने के लिए कहते मुकदमे वापस लो। अब जिन्होंने लाल किले पर हिंसा की उनके खिलाफ मुकदमे कैसे वापस लिए जाए, उन्होंने तो हिंसा की। अगर ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं इसका मतलब है कि देश विरोधी है। बिल्कुल मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए, ये देश का अपमान हुआ है। झंडा अगर तिरंगा फहराया जाता तो हम भी उसका समर्थन करते, लेकिन वो तिरंगा झंडा के स्थान पर जो दूसरा झंडा फहराया गया है उससे सारे देश में विरोध है और हम भी विरोध में है उसके। हम भी जबकि किसान है लेकिन हम भी उस फेवर में नहीं है। भाई हमारा तो एमएसपी पक्का होना चाहिए, हमें टिकैत से कोई लेना देने नहीं। वो कोई किसान अपनी फसलों को आग लगा सकता है, फसलों को जला सकता है? जो ये आह्वान कर रहे हैं कि किसान फसलों पर आग लगा देगा, देश को दाने दाने का मोहताज कर देगा, क्या किसान ऐसा करता है देश का? क्यों किसान अपनी फसल क्यों जलाएगा? जब एक साल हमने मेहनत करी है तो क्यों जलाएंगे ये बताओ? उसके ये राजनीति तो है, जब हमने खुद मेहनत करी है तो हम क्यों फसल जलाएंगे? ना हम राकेश टिकैत के कहने से फसल जलाएंगे। बाबा आप बताइए ये सब हो क्या रहा है देश में? अब देश ये में राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं कि भाई फसल जलाओ ये करो, ना अपनी क्यों नहीं जलाई? जब हमने मेहनत से कमाया है हम क्यों जलाए अपनी को? ये तो एक वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। अब ये बोलते हैं 5 स्टेटों में जाएंगे तो इसका मतलब तो ये तो वोटों की राजनीति है और क्या है इसमें? ये किसानों के बेनिफिट की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन कुछ नहीं है, आंदोलन तो बहुत दिन पहले समाप्त होगा। ये तो केवल टिकैत साहब जो कर रहे हैं अपनी निजी राजनीति चमका रहे हैं। इन्हें शायद ये अपनी पार्टी भी अलग बनाने आगे चलने समय में। हम तो एमएसपी के समर्थक है, एमएसपी को गवर्नमेंट को कानूनी जमा पहनाना चाहिए, उससे किसान का हित है। इस राजनीति से किसान का कोई हित नहीं हो सकता। किसान के मुद्दे पे ये बात ही नहीं करते, ये तो एक बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं वहाँ, नो यस या नो, इससे कोई नहीं बातचीत मेज के सामने बैठ कर आमने सामने सरकार से। बिल्कुल, जब मंत्री पूछते हैं कमी बताओ कानून में तो कमी नहीं बताते हैं, कहते काला कानून है वापस। हाँ जी, ये काला कानून बिल्कुल नहीं है, कानून में संशोधन हो सकते हैं, इन्हें करवाने चाहिए। किसान के हित की बात तो वे है, वे नेता बना रहे, पब्लिक का बेवकूफ बना रहे वहाँ बैठ के, और क्या कर रहे हैं वे? कभी झंडे को जताएंगे, कभी वहाँ ट्रैक्टरों को उड़ा दे, कभी रास्ता रोक दे, यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये कोई हल नहीं है। बाबा आप बताइए जनता भी कितनी दुखी और परेशान है। हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हम तो चाहे हैं बस। लेकिन ये राकेश टिकैत तो हक नहीं दिला पाए, हद से आगे बढ़ रहे हैं। अब हद से आगे बढ़ चुके, हम इनका साथ नहीं है इस राहत में। राकेश टिकैत के साथ नहीं है, नहीं इस मामले में साथ नहीं है। क्योंकि अब जो है असली किसान समझ गया है कि राकेश टिकैत केवल अपनी राजनीति चमका रहे। शायद यही कारण है कि गाजीपुर बॉर्डर पे 26 जनवरी के बाद जो भीड़ नजर आई थी राकेश टिकैत के आंसुओं को देखने के बाद जो भीड़ का जमावड़ा वहां पर हुआ था, अब वो बिल्कुल घट करके 100-200 हो गई है। सिर्फ गिने चुने किसान ही वहां पर मौजूद है। चंदा जो फंड मिल रहा था वो भी फंड लगभग खत्म होने को आ रहा है। यानी कि अब किसान समझ रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। विरोचन संजीत के साथ हर्षद अनवानी, मुरादनगर से जी मीडिया।